एक बार वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो भी काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं पुरुलिया के जो साइंस म्यूजियम सेंटर था उसका पार्ट टू घूमने वाले हैं। सो फिलहाल ये देखिए, ये भी एक साइंस है और एक भी ये मैडम है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक वाटर टैप, यहाँ पे इस घगरे से जो है पानी निकलता है। और ये चीज़ किस तरीके से डिज़ाइन किया होगा और ज़रा आप कमेंट में ज़रूर बताने। यहाँ पे 3D एलुशन और ये चीज़ें आप अगर ध्यान से अगर देखें और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके देखें तो इसका 3D जो है लुक आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कर्विंग टनल, ये टनल आपको जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी छोटा है, जो कि इसको मिरर की मदद से जो है अंदर तक और रिफ्लेक्शन दिया गया है और दिखाया गया है, ताकि आपको काफ़ी दूर और काफ़ी बड़ी लगे। यहाँ पे देखिए दो लाइटें हैं शायद से मेरे हिसाब से, और ये है बबल ट्यून। यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक हैंडल दी गई है, इसको दबाने से प्रेस करने से इस वाटर में जो है बबल निकलता है, बबल जनरेट होता है। देखिए ये भी थोड़ा सा मिनी जो है साइंस है। यहाँ पे राइजिंग, सच्ची में इसमें करंट निकल रहा है, देखिए आवाज़ भी काफ़ी अलग सा लग रहा है, करंट वाली आवाज़ लग रहा है। और ये चीज़ें बच्चों को बच्चों का खेलने के लिए है, ये चीज़ें सिर्फ घूमते रहेंगे। यहाँ पे ये 3D मैग्नेट वाली जो है गिलास यहाँ पे रखी गई है, ये चीज़ें इसके अंदर जो मैग्नेट रखी गई है इसको हम हिलाएँगे और यहाँ पर एक बटन दिया गया, इससे लाइट जलाएँगे तो देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना, देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसको हिलाने से क्या यहाँ पे दिखेगा, और ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन होगा। वाओ, ये भी काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी एक मैग्नेट दिया गया है, जिसके ज़रिए से ये चीज़ें जो है वो फैल जा रही है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और चलिए यहाँ से निकलते हैं। ये है पियानो, जादू वाला, ऋतिक रोशन वाला। भाई साहब ये भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन साउंड काफ़ी कम है, टाँ 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 टाँ, काफ़ी कम साउंड है। चलिए ये पियानो भी हमने बजा लिए है। और यहाँ पे देखिए 3D मार्स पैनोरामा, इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, मोबाइल का कैमरा जो इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे देखिए देख लिए आप पैनोरामा मोड वाली फोटो। तो ये जो प्लेट भी है ये काफ़ी कमाल का है, इसके इस प्लेट के अंदर से जो अपना मुंडी को निकाल के फ़ोटो खींच सकते हैं, इस तरीके से लगेगा कि हाँ भाई आपका मुंडी भी इस प्लेट में मौजूद है। ये है हवाई बॉल, यहाँ पे एक बॉल दिया गया, एक पाइप की मदद से एक मोटर भी फिट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए इस मोटर को अगर हम पैर से दबाएंगे तो ये बॉल हवा में उड़ेगा। ओह भाई, ये बॉल काफ़ी देर तक हवा में उड़ेगा, आप जितना देर तक जो है इसको प्रेस करके रखेंगे, इसका जो पैडल है उसको दबा कर रखेंगे, और आपका कंट्रोल भी एक हाथ में ही होगा। अगर आप इसको इधर उधर हिलाते इस पाइप को तो ये गिर जाएगा, देखिए गिर गया। तो ये भी चीज़ें मिनी क्या बोलते हैं उसको, और साइंस में आया, ये चीज़ें भी काफ़ी बेहतरीन है। ये चीज़ें हम छोटे में खेला करते थे, अभी के बच्चे तो कोई भी ये चीज़ें खेलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ये चीज़ और इन सब चीज़ों से किसी को भी लगाव नहीं है। अभी के बच्चे जो है और सिर्फ मोबाइल से लगाव है अभी के बच्चों को, और कोई चीज़ से भी लगाव नहीं है। और मैजिक वाटर टैप, और ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे जो वाटर जो आ रहा है, ये जहाँ से वाटर आ रहा है वहीं से एक जो है फाइबर का पाइप जो है लगा दिया गया है। लाइफ साइंस तो हम घूम चुके हैं और पिछले वीडियोज़ में, और पॉपुलर साइंस भी घूम चुके हैं। सो यहाँ पर हमको जाना है वेल्थ ऑफ पुरुलिया, यानी कि पुरुलिया की जो हिस्ट्री है या फिर पुरुलिया की कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आपको देखेगा अर्ली पीपल, आदिवासी मानव जाति, आदिवासी जाति, देखे किस तरीके से ये लोग रहते थे और घर भी कितना खूबसूरत था। लेकिन ये चीज़ें अगर किसी का हो और ये घर अभी के टाइम में किसी का हो तो उसको गरीब माना जाता है भाई। पॉपुलेशन ऑफ यहाँ पे देखिए सारे लोगों की पॉपुलेशन है, और ये चीज़ें जो है और सारे हमारे बंगाल के जो है वो बनाए गए हैं। ये डांस का आर्ट था, और इसका फेस मास्क भी शायद ये डांस के कला में ही आता था। कॉटेज इंडस्ट्री, मेडिसिन प्लांट, और ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेडिसिन के काम में आते हैं और दवाई के काम में आते हैं।
ये सारे लैब के कुछ सर्च किया हुआ चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रहा है। ग्लोरियस, ये देखिए, ये है इसका जो है फैशन बंगाल का, वाइट पंजाबी और वाइट साड़ी में महिला। ये एक रूम को जो है एक थोड़ा सा जंगल डिज़ाइन में बनाया गया है, जो कि लाइट एक लगा दी गई है और साइड में यहाँ पे चीता को बनाया गया। ये बिल्कुल सीमेंट का है, ये ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल रहता तो भाई आदमी नहीं रहता यहाँ पे। देखने में भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और ये बंदर तो ओरिजिनल लग रहा है देखने में। ये वेल्थ ऑफ पुरुलिया के अंदर ही आता है ये चीज़ें, या फिर ये कोई चीज़ बाहर की है जो कि कॉपी करके रखी गई है। लेकिन कोई बात नहीं, पार्क जो है या फिर म्यूज़ियम जो है वो कॉपी करने के लिए ही होता है। कोई भी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे रखा जाए और उसको जो है डिज़ाइन किया जाए। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी तेज़ है फिलहाल। असल यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ झालदा हमारे पुरुलिया ज़िला के अंदर ही पड़ता है। ये है कमार वाली दुकानें, जो कि लोहा आरी वरी कुछ बनाता था कुछ, देखिए ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है ये बनाते थे। बेल्डी माइन तो हम गए नहीं हैं, ये माइन से है, कोयले का है शायद से। देखिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत जो है वो देखने में लग रहा है। यहाँ पे एक रस्सी दी गई है, पम्पेट स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये एक डैम है जो कि ये पम्प का काम करती है, वाटर सप्लाई का ही काम करती है। और यहाँ पे पंचित डैम एंड पावर जनरेशन, पंचित डैम तो आई थिंक झारखंड में है, और ये पावर जनरेट करता है, करंट बनता है। किस तरीके से बनता है पता नहीं भाई, ये चीज़ें तो हम देखे नहीं हैं, या फिर माइंड में कोई आइडिया नहीं है कि वाटर से जो है वो वाटर से करंट जो है कैसे जनरेट करता है। संतालडी थर्मल पावर स्टेशन, ये हमारे संतालडी का ये पावर स्टेशन है, जहाँ से यहाँ से भी करंट जो है वो सप्लाई होती है, करंट जो है वो जनरेट होता है। सो काफ़ी कुछ देखने को मिला यहाँ पे। रेन वाटर ये चीज़ें क्या, एक घर बना दी गई है, घर का भी डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन बनाया गया। अगर सामने से अगर वीडियो करें तो ये रियल लगेगा। यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी भी लगा दी गई है, और कुछ बैल वगैरह मिट्टी का बना के कलर करके उसमें डाल दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रहा है। चिल्ड्रेन गैलरी, बच्चों के खेलने की जगह है, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए, जो कि बच्चे काफ़ी देर तक खेलेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें भी कुछ ख़ास नहीं है बच्चों के लिए, काफ़ी आसान चीज़ें हैं जो कि बच्चे गिरे नहीं और बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ये फ़िलहाल मैं, ये देखिए ये है साइंस का जो नल है, यहाँ पे देखिए इस जो पाइप है यहाँ पे, इससे वाटर जाती है और फिर उसी से नीचे आती है, फिर उसी से नीचे आता है पानी। तो ये चीज़ें भी काफ़ी यूनिक था, बनाने वाला का भी ये दिमाग है। डायनासोर पार्क, ये ओरिजिनल नहीं है भाई, ये सारी के सारी जो है वो डुप्लीकेट डायनासोर से है। डायनासोर पार्क देखिए, ये चीज़ें सारी के सारी डुप्लीकेट है। हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, सारी डायनासोर्स दिखाएंगे। यहाँ पे एक बॉल रखी गई है, बॉल को ऊपर ले जा के कुछ इस तरीके से सबसे ऊपर जाके हम यहाँ से अगर छोड़ेंगे, देखिए, और इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, बॉल को निकलने में आसानी हो, निकाल दे, देखिए बॉल कितना घूमते फिर वही जगह पे आ जाएगी जहाँ से हमने इसको उठा के ऊपर फेंका है। और देखिए ये आ गया वहीं पे। बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी बेहतरीन गार्डन है, ये चीज़ें बच्चों के खेलने के लिए है, और झूला भी दिया गया है, और सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे आसानी से खेल सके और बच्चे आसानी से यहाँ पे एंजॉय कर सके।
बच्चे का जो है, स्कूल का बच्चे का जो है वो टाइम और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए लोग झूला झूल रहे हैं, लोग यहाँ पे और टाइम और गुजार रहे हैं। हालांकि प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ प्राइस है। और हमने पहले वीडियोस में आपको बताई थी कि यहाँ का प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए ये भी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है, ये चीज़ें तो फिलहाल चल नहीं रही है। ये भी साइंस का एक कमाल है जो कि नीचे से पानी उठ के इधर से उधर से फिर नीचे गिर के यहाँ पे एक कुआँ है, आपको दिखाते हैं। वो चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है पानी उठाने के लिए। ये सब सारी चीज़ें बच्चों के खेलने के हैं। देखिए काफ़ी ये डायनासोर भी और डुप्लीकेट है जो कि फाइबर का या फिर कुछ फाइबर का ही बनाया गया है। और ये देखिए ये कुआँ जो है काफ़ी यूनिक है, इस तरीके से शायद से कोई भी पानी उठाता होगा, लेकिन पानी तो तभी उठेगा जब कुआँ जो है भरा हुआ है। देखिए अभी कुआँ में पानी है, अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसका जो बनाया गया इससे लोहे के वो इस प्रकार से अगर इसको हम घुमाएंगे तो पानी जो है बहुत धीरे धीरे ऊपर आएगी। देखिए हम इसको स्पीड से घुमाते हैं, देखिए पानी आ रहा है। अगर इस तरीके से हम अगर कुआँ से अगर पानी उठाएंगे तो भाई पूरा दिन चला जाएगा एक डब्बा पानी निकालने के और मुँह धोने के। देखिए लेकिन ये भी चीज़ें काफ़ी यूनिक है और काफ़ी बेहतरीन है, ये भी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। ये देखिए ये डायनासोर्स जो है वो देखिए, ये सारे डायनासोर्स डुप्लीकेट है। ये भी चीज़ें बच्चों के खेलने के लिए। ये है राज सिंहासन जो कि मोदी का है भाई। सो अगर आप इस साइड से है या फिर लोकल आदमी हैं तो आप इधर से आके घूम सकते हैं। इधर पे आके 20 रुपीज़ प्राइस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए और सारे डायनासोर्स जो है वो बड़े बड़े सारे किस्म के डायनासोर्स जो है वो डुप्लीकेट बनाई गई है। वाओ इसका मुंह भी खोल के रखा है भाई। ये देखिए ये भी डायनासोर देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, लेकिन और डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन है, बनाया भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से गया है ताकि आपको समझ में आए और देखने में बिल्कुल रियल लगे, है ना, काफ़ी कमाल का है। और ये जो पेड़ पौधे भी है ये भी चीज़ें जो है वो और डुप्लीकेट है, ये भी एक डायनासोर है। देखिए ये भी रियली लग रहा है लेकिन है डुप्लीकेट ये भी है। तो चलिए हम इस पार्क को अलविदा कहते हैं और हम यहाँ से घूम चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और वीडियोस के लिए। और हम आपको बेहतरीन बेहतरीन जगह जाके आपको दिखाते रहेंगे और आप इंजॉय करते रहें।